हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स दिस इज योर लेक्चर 16 फॉर एमसीक्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इट विल बी अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्रिस्प वीडियो बहुत छोटे छोटे पांच एमसीक्यूज देखने हैं फैक्चुअल एम सी हैं ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे बिकॉज आपका पेपर पास में आ रहा है सो so, कोशिश रहेगी दस से बारह मिनट के अंदर इन पाँच छोटे क्वेश्चन को ख़त्म कर दें ओके सो लेट एस स्टार्ट एम सी क्यू कोर्सेज आप ऑलरेडी जानते हैं डब्ल्यू 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 डॉट शिक्षक डॉट कॉम पर जा करके आपको मिल जाएंगे नॉन वीडियो कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं पी डी एफ फाइल का भी आपको एक मिनिमम सा कॉस्ट पे करके पी डी एफ फाइल में मिल जाएंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन पर या फिर मेल कर सकते हो शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर क्वेश्चन करने का प्रोसेस वही है क्वेश्चन आएगा खुद से वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करनी है उसके बाद उसको देखना है चलो स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स काडम्बिनी गांगुली वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी पहला स्टेटमेंट फैक्चुअल स्टेटमेंट है बिल्कुल ऑल्सो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि वो पहली वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन को एड्रेस किया एड्रेस करने का मतलब है वहां पर जाकर के उन्होंने स्पीच दिया और ये उन्होंने किया 1890 में आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अमंग द बफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पहला क्या कह रहा है कि कैलकटा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ही थे क्या या और अगर तो कैलकाटा क्या वो क्या वो यूनिवर्सिटी के आंसर देखना है फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थे दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन एड्रेस करने वाली पहली महिला बनी और इस केस में इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना सो द आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन सी ओके सो 1890 फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट एड्रेस्ट कांग्रेस सेशन जो हमने क्वेश्चन में भी देख लिया उतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन द कांग्रेस गिव द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये स्लोगन कांग्रेस ने पहली बार किस इनैक्टमेंट के बाद दिया ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस तरह के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं जैसे ये जो क्वेश्चन है आपका ये एग्जांपल जो आपके सामने है दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड के अंदर भी पूछ लेता ठीक है फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं आंसर है जैसे इसका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1891 इसके अंदर जो है कांग्रेस ने कहा कि भैया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और ये स्लोगन कांग्रेस ने यहाँ पर दिया अब इंडियन काउंसिल एक्ट के और क्या क्या फीचर्स थे उन फीचर्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर तो स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें यह फीचर था ये फीचर था ये फीचर था और एक फीचर आपको ये वाला भी दे देगा कि इस एक्ट के एनेक्टमेंट के बाद कांग्रेस ने ये वाला स्लोगन दिया ठीक है तो उस तरीके से भी क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे थर्ड क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट गिवेन है द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि भैया कांग्रेस जो है अपने फेल होने के कगार पर है गिरने के कगार पर है और जब तक मैं हिंदुस्तान में हूँ मेरा अंतिम जो हिंदुस्तान में रहते हुए जो मेरा सपना है वो ये है कि कांग्रेस जो है खत्म हो जाए ठीक है ये स्टेटमेंट कौन से गवर्नर जनरल ने दिया इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो गवर्नर जनरल्स कभी ना कभी पास आउट कर देते थे तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स का आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए Options है ऑप्शन 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 ए लॉर्ड 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 बी सी हार्डिंग एंड डी इज नन ऑफ अबव तो कांग्रेस के लिए ये स्टेटमेंट किसने पास किया था दिस स्टेटमेंट वॉज पास बाय लॉर्ड कर्जन ठीक है लॉर्ड कर्जन देखो अब जब आप रिविजन कर रहे हो अब आप जब आपका एग्जाम पास में आ रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में करना है वो है रिलेटेड टू गवर्नर जनरल्स ठीक है तो गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितनी डिटेल है ना वो बहुत अच्छे से कवर कर लेना अपनी बार बार बोल रहा हूं उसमें से क्योंकि सवाल आपके पूछे जाते हैं ओके चलो तो आंसर यहां पर क्या हो गया आपका ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए विच गवर्नर जनरल इन इंडिया रिमार्क कांग्रेस एज द फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कौन से गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को कहा कि भैया ये फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है ठीक है तो ऑप्शंस फिर से आपके सामने वही सेम ऑप्शंस मैंने रख दिए हैं लेकिन इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन तो कर्जन ने तो कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कांग्रेस गिर जाए खत्म हो जाए मेरे यहां से जाने से पहले और डफरिन ने क्या कहा फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है सो आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पहला स्टेटमेंट कहता है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये बनाई गई थी टू काउंटर द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो क्या ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी या सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी कहता है द मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय सैयद अहमद खान एंड अदर्स ठीक है सैयद अहमद खान और बाकी के जो लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay? सो so, देखो ये इस तरह की चीजें अगर पड़ी हुई हैं तभी कर पाते हैं नहीं तो नहीं हो पाती क्योंकि इसमें ऐसे कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं छुपे हुए तो जब कांग्रेस बन गई अब कांग्रेस में जो पार्टी में जो ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस पे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इल्जाम लगाए कि एक हिंदू पार्टी है ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये एक बाबुओं की पार्टी है ये एक लॉयर्स की पार्टी है तो ऐसा सब बोला गया ठीक है तो उसी समय पे कांग्रेस के खिलाफ डिफरेंट रिलीजन के जो लोग थे उनके अंदर भी धारणा डाली गई जैसे जो मुस्लिम लोग थे उनके अंदर डाला गया कि कांग्रेस जो है वो अपने लिए एक हिंदू राष्ट्र ले लेगी ठीक है वैसे ही डिफरेंट रिलीजन के लोगों को भी एंटी कांग्रेस की तरफ प्रमोट किया गया तो उस समय सैयद अहमद खान और इनके जैसे और लोग सामने आए इसमें सैयद अहमद खान से आप ये मत समझिए कि इट वाज ओनली अ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट नहीं वो उसमें इसमें हिंदूज भी थे तो सैयद अहमद खान और इनके जैसे और लोगों ने ये यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन करके बनाया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोपोगंडा को जो है अपोज करता था सो आंसर यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ऑफ द अब स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑल राइट चलिए दोस्तों सो दीज वर द क्विक फाइव क्वेश्चन एंड क्विक फाइव फैक्ट्स फॉर योर रिविजन आई होप आप लोगों को मजा आया होगा मजा आया हो तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय